आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। युवा शक्ति दल की टीम रात 1 बजे पहुंची जिला गाजियाबाद की मोदी नगर। युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रवि कुमार गौतम जी के द्वारा मोदी नगर विधानसभा में पीड़ित परिवार की तरफ से शासन प्रशासन हत्या कर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। गांव कलछीना निवासी राजकुमार जाटव उर्फ बबलू की शिकारी फाटक पर वीर सिंह गुर्जर ने अपने 5 साथियों को साथ मिलाकर गोली मारकर हत्या कर दी। उन पीड़ित परिवार से मिलने जीवन हॉस्पिटल मोदी नगर और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और राजकुमार जी के बेटे और सौरभ कुमार जाटव अभी गंभीर रूप से घायल है, उन्हें दिल्ली अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। पीड़ित परिवार के प्रार्थना पत्र पर धारा 191, 191 2, 191 3, 190, 103, 109 SC/ST एक्ट 3(v) में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम सब पीड़ित परिवार के साथ हैं और युवा शक्ति दल मोदी नगर विधानसभा के अध्यक्ष विजयपाल गौतम जी अपनी टीम को साथ लेकर पीड़ित परिवार के साथ मौजूद हैं। हॉस्पिटल मोदी नगर से जल्द ही मोदी नगर में होगा विशाल धरना प्रदर्शन। न्यूज 9 भारत से दीपक यादव की खास रिपोर्ट। के बदले में 7 और 8 ये मुकदमे दर्ज के साथ मैं तो यही का बता रहा हूँ। ये तो आपको झूठी सी गई है, ये तो पहली बात। अब दूसरे डाक्टर सुनो, देखो सुनो, आपके हाथ में सब कुछ है। आप हमें ये बताओ कि हम 4 घंटे में 5 घंटे में 6 घंटे में सुबह के 12 बजे तक 11 बजे तक हम उन्हें उठा करके चाहे पड़ताल में होंगे ला कर देंगे, और ना ला कर दे तो आप मेरा कॉलर पकड़ लेना। आप ये आश्वासन दो, ये खड़ा परिवार नहीं, आप नहीं, आप ये समाज में कहो ना, परिवार से कहो, उसके बाद में ये ना हो जो बताना आप परिवार से भी वो चीज उन्होंने कह दी। सुबह 7 बजे तक सब गिरफ्तार मिलेंगे, हम आपके साथ हैं। आप 7 बजे रेस्ट करो और 7:30 बजे पहुंच ले जाओ पैनल तो सुबह बनेगा। मसला है और यहाँ एक वो भेजो इलेक्ट्रिसिटी। सुबह का समय देखो, हम भी नहीं चाहते क्योंकि हम लोग भी प्रशासन के साथ मिलकर के न्याय की उम्मीद करते हैं। सुबह तक अगर इतना अंजुम होगा ना तो आप रोक पाएंगे ना मैं रोक पाऊंगा। लेकिन नहीं, संविधानिक रहेगा तो उससे कौन से तो परिवार के लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने कौन से रोड जाम करी, कौन सा पथराव किया, इससे घर का कागज जमा किया, बताओ जरा। साइड में बैठे नहीं, देखो सुनो, परिवार बड़ा है इनका, अभी संख्या बड़ी रिश्वत बढ़ जाएगी गांव में तो बड़ा है। हम इतना प्रयास कर सकते हैं अगर परिवार में, देखो आप परिवार के अगर परिवार आपको याद देता है और हमसे कहता है कि भैया हम सुबह तक समय दे रहे हैं तो हम ट्राई करेंगे। लेकिन ये जरूर है ये घटना जिससे पहले जो गोष्ठी वाले समाज में आ गए वो तो बहुत जल्दी है, वो कहना नहीं चाहता। ठीक है, आप लोग नहीं, इनका सम्मान कर रहा हूँ, हम तो वजह से हर व्यक्ति अंदर बैठा हुआ वो हमारे लिए न्याय के लिए है। ठीक है ना, क्या जिस जुडिशरी के वो ACP थे क्या वो काबिल थे?
तालमेल की बात नहीं है। क्यों आप ही लोगों की तरफ से किसने कहा आप बताओ, मतलब किसने कहा आप ही लोग सब जितने लोग हैं उनकी तरफ बताओ किसी से, मतलब एससी का मामला आया तो किसी को ट्रांसफर कर दिया तो फिर उस एससी को तुमने मोदी में क्यों बैठा रखा। जो आदमी लोअर एनरोलमेंट नहीं कर सकता, जनता में विश्वास कायम नहीं कर सकता, करने पर सिफाई करते आप जानते हैं भाई साहब, क्यों करा आपने ये तो फिर मैं करा आपसे। माता जी सात दिन तक ये कह रही है आप कह रहे हैं अभी नियम होना नहीं पैनल बनना नहीं, आप हमें ये बताओ कि ये आश्वासन है अगर परिवार संतुष्ट होता है तो हम साथ हैं, ना तो हमारा मकसद रोड जाम करने का, ना प्रदर्शन करने का, ना कुछ करने का, हम तो नाइफ लिए लोग वो लोग खड़ा रहे हैं। देखो सुनो हमें ही पता है आप गिरफ्तारी करेंगे आप अरेस्ट करेंगे, जो हमें समय दे रहा है उससे थोड़ा फालतू बन जाएगा भाई। ये जो एफआईआर हुई है जो मर्डर हुआ है ये होते तो हो ही नहीं इसमें, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी का ये बताओ कि मैं अपने कानून में इतनी पकड़ता हूँ, मैं विश्वास लाता हूँ कितने घंटे में आप यहाँ तो ऐसे ऐसे कप्तान आए हैं। यही आश्वासन मैंने अभी तो दिया इनके परिवार वालों को आपके सामने दिया है भाई, आप बताओ पीछे आप बताओ आप संतोषजनक है तो हम आपके साथ है ना, तो मेरी बात भैया आप बताओ मैं क्या करना नहीं उसमें आगे की कार्रवाई के लिए कह रहे हैं टाइम खराब मत करो भाई, उनको जाके पकड़ो, उनकी लेडीजों से कोई मतलब कोई दोस्त नहीं करा, जो निर्दोष है उनको मत पकड़ो, मैं नहीं कहूंगी लेडीज उन्हें लाओ पकड़ के, उन्हें मुझे दिखाओ कहाँ है वे। वे तो वैसी वे हिम्मत से लड़ते सामने लड़ते हमारी गलती बताते पूरा गांव लेके आते समाज लेके आते मेरे को निर्दोष को मारा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।